नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है आज 6 मई दोपहर तीन बजे राजस्थान की खास खबरें नेशनल इंटरेस्ट एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की परीक्षा में पैसों के लालच में एमबीबीएस स्टूडेंट डमी अभ्यर्थी बन गए ये लोग 20 लाख रुपए तक प्रति अभ्यर्थी लेकर परीक्षा में बैठे थे भरतपुर जोधपुर और बाड़मेर में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है भरतपुर एएसपी अखिलेश कुमार ने बताया तेईस वर्षीय डॉक्टर अभिषेक गुप्ता निवासी करौली डॉक्टर अमित जाट निवासी जयपुर डॉक्टर रविकांत और राहुल गुर्जर निवासी दोसा को पकड़ा है बाड़मेर के अंतरी देवी स्कूल एग्जाम सेंटर पर भाई की जगह एग्जाम देने पहुंचे डमी कैंडिडेट को पकड़ लिया गया पुलिस ने पूछताछ की तो अभ्यर्थी भागीरथ राम ने भाई की जगह एग्जाम देना स्वीकार किया पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जोधपुर में भी डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया है डमी कैंडिडेट एम स्टूडेंट है और पैसों के लालच में जालोर के एक अभ्यर्थी के स्थान पर बैठा था परीक्षा केंद्र अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद आरोपी को बनार थाना पुलिस ने बाड़मेर सौडियार गांव निवासी चेतन जाट को गिरफ्तार कर लिया लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में कल मंगलवार को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की तिरानवे सीटों पर वोटिंग होगी पहले पिचानवे सीटों पर वोटिंग होनी थी लेकिन गुजरात के सूरत सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं कांग्रेस के नीलेष कुंभानी का पर्चा इक्कीस अप्रैल को रद्द हो गया था साथ ही आठ उम्मीदवारों के नामांकन वापस ले लिया था साथ ही चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट के चुनाव भी टाल दिया था यहाँ बर्फबारी और भूसकलन के कारण ऐसा किया गया अब वहाँ छठे चरण में 25 मई को चुनाव होंगे तीसरे फेज में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर भी वोटिंग होनी है बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद दूसरे चरण 26 अप्रैल में होने वाले मतदान को तीसरे चरण के लिए टाल दिया गया था चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल तेरह उम्मीदवार मैदान में हैं राजधानी जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा चोरी का बड़ा मामला सामने आया है यहां ब्लड बैंक में काम करने वाला लैब कृष्ण कृष्णकांत कटारिया लंबे समय से प्लाज्मा चुरा रहा था जिसे वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों ने ही रंगी हाथों पकड़ लिया मामले के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीना वह ब्लड बैंक इंचार्ज ने भी पुष्टि की है लैब टेक्नीशियन से पूछताछ की गई तो उसने प्लाज्मा चुराने की बात कबूल कर ली है उसकी कार से छहत्तर बैग प्लाज्मा बरामद हुआ है यह प्लाज्मा ब्लड बैंक में वापस जमा भी करवा दिया गया है जेके लॉन हॉस्पिटल में ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि लैब टेक्नीशियन कृष्णकांत कटारिया पिछले लंबे वक्त से प्लाज्मा चुरा रहा था कृष्णकांत कब से और कितनी यूनिट प्लाज्मा चुरा, चुरा चुका है इसकी जांच की जा जा रही है इसके बाद ही मामले पर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकेगा राजधानी जयपुर में ग्रेड थर्ड टीचर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नौकरी लगाने के लिए बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल ने दस लाख रुपए ले लिए नौकरी नहीं लगने पर रुपए वापस मांगे तो धमकियां दी रुपए वापस नहीं लौटाने पर कार सवार बदमाशों ने मारपीट कर बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल का किडनैप कर लिया सांगानेर सदर थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और प्रिंसिपल को छुड़वाया पुलिस ने प्रिंसिपल का किडनैप करने वाले सरकारी टीचर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ करी है सीआई पूनम चौधरी ने बताया कि 28 वर्षीय आरोपी रोहिताश और 26 वर्षीय ब्रिजेश तंवर निवासी हिंडौन करौली और बंटी गुर्जर गांव बयाना भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है आरोपी रोहिताश सरकारी टीचर है तीनों हिंडौन हाल राथ विहार गुनेर मोड़ निवासी 50 वर्षीय प्रमोद कुमार शर्मा के साथ मारपीट कर किडनैप कर लिए गए थे बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि रोहिताश ने अपनी बहन को ग्रेड थर्ड टीचर और कृषि पर्यवेक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर प्रमोद को दस लाख रुपये दिए थे जो उसने हड़प लिए थे मामले की जाँच चल रही है पाली जिले में तीन आईएएस के फर्जी हस्ताक्षर से पचास न्यायिक केस में फैसला कर देने के मामले में वांछित पाली कलेक्टर एसडीएम कोर्ट रीडर रहे मूल सिंह भाटी को पुलिस ने मिल गेट इलाके से पकड़ लिया बोलागुड़ा निवासी रीडर से पूछा कि आईएएस दान ने एसडीएम पद पर अप्रैल 2021 को पाली में ज्वाइन किया तो नवंबर 2020 में उनके साइन से जीवी बाई को और से भरण पोषण प्रकरण में फैसला किसने और कैसे कर दिया आरोपी रीडर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया लंबे पूछताछ के बाद आई एस देशल दान की ओर से 30 अप्रैल को दर्ज करवाए केस में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी बताई हालांकि ऐसे ही घपले को लेकर सितंबर 2023 में आई एस नमित मेहता और गत 30 अप्रैल को बयावर कलेक्टर उत्सव कौशल ने केस दर्ज करवाया है दोनों केस में आरोपी रीडर की गिरफ्तारी फिर होगी कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है युवक बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है साथ ही पार्ट टाइम कैटरिंग का काम करता है आरोपी ने पूछताछ में बताया कि अन्य पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर उसने सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री को धमकी दी थी तीन मई को मंत्री के बेटे देवेंद्र खराड़ी ने कोटड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से युवक को गिरफ्तार कर लिया एस एच अशोक कुमार सिंह ने बताया साइबर एक्सपर्ट की मदद से आरोपी इक्कीस वर्षीय जितेंद्र कुमार आहारी निवासी बजारिया थाना खैरवाड़ा को गिरफ्तार किया है आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम आई से मंत्री खराड़ी को धमकी भरी पोस्ट डाली थी राजधानी जयपुर में कोचिंग छात्रा को किडनैप कर गैंगरेप करने के बाद आरोपी हाथ पैर बांधकर कर सड़क पर पटक गए पीड़िता की मदद करने पहुंचे युवक ने भी रेप की कोशिश की इसके बाद पीड़िता भागकर अपने परिजनों तक पहुंची घटना कनौता थाना क्षेत्र की है पुलिस ने बताया कि 20 वर्षीय युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह कंपटीशन एग्ज़ाम की कोचिंग कर रही है उनतीस अप्रैल को उसके मोबाइल पर अनजान लड़के ने व्हाट्सएप मैसेज किया लिखा तुझे मेरी बताई टाइम पर मेरी बताई जगह पर आना है अगर तूने अपने परिवार या किसी को जानकारी दी तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा डर के मारे युवती घर से एक किलोमीटर दूर बताई जगह पर पहुंची जयपुर रेलवे स्टेशन के पास दोनों आरोपी युवकों ने उसका किडनैप कर लिया और सुनसान जगह पर गैंग रेप किया खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास हाथ पैर बांधकर पटक गए पुलिस मामले की जांच कर रही है चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा थाना क्षेत्र के एक लिंगपुरा घाटी के पास सवारियों से भरी एक बस पलट गई हादसे में एक महिला सहित 10 महीने की मासूम की मौत हो गई तथा 18 लोग घायल हो गए सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां पांच की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें कोटा रेफर कर दिया जहाँ उपचार के दौरान दस महीने की मासूम ने दम तोड़ दिया डीएसपी प्रभुलाल कुमावत ने बताया की प्राथमिक जाँच में घटना का कारण बस के ब्रेक फेल होना सामने आया है बस रावत भाटा से रामगंज मंडी जा रही थी हादसे में एक लिंगपुरा निवासी 22 वर्षीय महिला रानू धाकड़ व दस महीने की तनु पुत्री दिनेश धाकर की मौत हो गई जानकारी के अनुसार सवारियों से ठसा ठस थस भरी बस में छोटे बच्चे सहित महिलाएं भी सवार थी पुलिस मामले की जांच कर रही है बीकानेर के खाजूवाला में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया है मामले में मृतक के भतीजे पर भी आरोप है हालांकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि आरोपी चौवालीस वर्षीय नरेंद्र सिंह और फिराजू को छोटे भाई हरविंदर सिंह ने मर्डर मामले में पकड़ा है आरोपी की पत्नी बत्तीस वर्षीय वीरपाल कौर को भी गिरफ्तार किया है हरविंदर की पत्नी ने एफआईआर में इन दोनों के साथ ही इनके बेटे पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था खाजूवाला के चक तीन केजेडी में तीन मई की रात हरविंदर और उसके नरेंद्र सिंह में विवाद हो गया था झगड़े में नरेंद्र सिंह ने हरविंदर की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के प्रयास किए थे उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी कर जेसीबी मशीन हड़प कर हरियाणा में बेचने के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आजपुर थाना क्षेत्र के मलापा छरियाणा निवासी 22 वर्षीय लोकेश उर्फ कनीपा 23 वर्षीय संदेश कनीपा व खैरवाड़ा के जवास निवासी उन्तीस वर्षीय जितेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी फरार है फरार आरोपी के संबंध में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है प्रार्थी प्यारे नाथ ने ग्यारह नवम्बर दो को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने उसकी जेसीबी मशीन हड़प ली और बेच दी थी आरोपियों ने उससे 26 लाख रुपए में जेसीबी मशीन खरीदी और एग्रीमेंट कर जेसीबी मशीन अपने साथ ले गए मशीन को पूरा भुगतान करने की बजाय मशीन को हरियाणा के किसी व्यक्ति को बेच दी हरियाणा के फतेहाबाद में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने महिला म्यूजिक टीचर के साथ स्कूल में छेड़छाड़ की घटना सदर थाना क्षेत्र के बड़े सरकारी स्कूल की है महिला थाना पुलिस ने टीचर की शिकायत पर प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है टीचर का कहना है कि उसके आरोप लगाने के बाद दूसरी महिला टीचर भी खुलकर सामने आ रही है महिला टीचर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह एक सरकारी स्कूल में म्यूजिक टीचर के पद पर है करीब आठ महीने पहले उसका इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ था बारह दिसंबर दो हजार को स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि आज तो कमाल की दिख रही हो और उसकी तरफ गंदी नजर से देखने लगा उन्होंने एक गंदी हंसी के साथ कहा कि आप बस मुझे खुश कर दीजिए और मैं आपकी सारी क्लास हटा दूंगा पुलिस मामले की जांच कर रही है